गूगल ने 12 मार्च 2018 को सर विलियम हेनरी पार्किन का डूडल बनाकर उनको सम्मान पेश किया है। पार्किंग ने सबसे पहले सिंथेटिक डाई की खोज की। पेशे से केमिस्ट पार्किंग का जन्म 12 मार्च 1838 को इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने पहली सिंथेटिक डाई मोवीन की खोज दुर्घटनावश की थी। गूगल का यह डूडल कई देशों में भी देखा जा सकता है। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि यह एक 18 साल के लेबोरेटरी असिस्टेंट पार्किन अपने एक असफल प्रयोग के बाद बीकर में पड़े गहरे हरे रंग के पदार्थ को साफ कर रहे थे, और तभी उन्होंने ध्यान दिया कि जब उसे अल्कोहल के साथ मिक्स किया तो पदार्थ ने बैंगनी रंग का निशान छोड़ दिया। इस खोज के बाद उन्होंने इसका पेटेंट कराने के बाद बड़े स्तर पर इस डाई का व्यापारिक उत्पादन शुरू कर दिया, जिसका नाम मोवीन रखा गया। गूगल ने यही भी बताया कि पार्किंग की खोज की टाइमिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि उस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी और उस समय बैंगनी रंग के कपड़े काफ़ी स्टाइलिश समझे जाते थे, लेकिन ये लोगों के लिए काफ़ी महंगे और जल्दी ही फीके पड़ जाते थे। डाई बनाने के बाद पार्किंग काफ़ी अमीर और सफल व्यक्तियों में गिने जाने लगे और बाद में फिर से वह लैब में रिसर्च में लग गए। पार्किंग की खोज के बाद मोवीन काफ़ी सस्ता और लोगों की पहुँच में रहने वाला फैशन इंडस्ट्री का फेवरेट डाई बन गया। सर विलियम के इस डूडल को ब्रिटिश चित्रकार सोनी रॉस ने बनाया है। गूगल ने बताया कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया ने भी 1862 की रॉयल एग्जीबिशन में भी खुद मोवीन डाई से रंगा हुआ एक गाउन पहना था। आज का यह गूगल का डूडल भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान जैसे अन्य देशों में देखा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।